सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वॉरियर्स। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा सिक्स्थ चैप्टर फ्रॉम क्लास 10 जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इससे पहले के दोनों वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस के बारे में, आइडियल लोकेशंस के बारे में फर्स्ट वीडियो में, एंड सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज देखे थे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज देखा था। सो इस वीडियो में हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का जो शुगर इंडस्ट्रीज है उसको कंप्लीट करेंगे एंड उसके साथ साथ हम करने वाले हैं स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एंड बाकी के जितने भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो सारे। सो शुरू करते हैं आज का, एंड लिंक मैंने दोनों वीडियोस के, पिछले दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, प्लीज जाकर चेक कर लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या अभी, शुगर इंडस्ट्रीज। तो शुगर इंडस्ट्रीज के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। शुगर इंडस्ट्रीज में क्या क्या है, तो इंडिया क्या है, सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में किसका, तो शुगर का, और फर्स्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है, तो गुड़ एंड खांसरी का। ये चीजें हमारी इंडिया प्रोड्यूस करती है इन वर्ल्ड लेवल, सो वर्ल्ड लेवल प्रोड्यूसर है ये। उसके अलावा रॉ मटेरियल इसके क्या होता है, बहुत ही ज्यादा भारी होता है। शुगर केन का रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा भारी होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें सक्रस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। सक्रस किसे कहते हैं, इक के रस को हम कहते हैं सक्रस। सो सक्रस कंटेंट ज्यादा होता है, इस वजह से वो भारी हो जाता है हमारा शुगर केन। एंड हॉलेज, और अगर लेट होता जाता है, जितना लेट हम करेंगे उतना उसका, उस शुगर केन का रस जो है वो कम होता जाएगा। बहुतों ने देखा होगा छठ के टाइम पे वो शुगर केन आती है हमारे यहाँ पर प्रसाद के तौर पर, हम लेता मतलब खाते हैं। एंड अगर आप लोगों ने कभी शुगर केन खाया है, जो कि ऑब्वियसली खाया ही होगा, सो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप ज्यादा दिनों तक शुगर केन को ऐसे ही रख देते हो तो धीरे 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 उसका जो रस है वो सूखने लगता है, कम होने लगता है। सो इसे कहते हैं हॉलेज। हॉलेज इज डिलेड, इट्स सक्रस कंटेंट रिड्यूसेस। सो कहां पर, कौन से ऐसे जगह है जहां पर हम शुगर केन इंडस्ट्रीज को लगा सकते हैं, आइडियल लोकेशन क्या होना चाहिए, ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक है हमारा बल्की है, भारी है और सक्रस कंटेंट कम होता जाता है टाइम के साथ। आइडियल लोकेशन क्या है, कहां कहां पर है, कौन कौन से स्टेट, आइडियल लोकेशन बोलो या स्टेट्स बोलो, कौन कौन से स्टेट्स में 662 शुगर मिल्स कहां है, तो पूरे के पूरे देश में 662 शुगर मिल्स पूरे फैले हुए हैं। सबसे पहला है हमारा यूपी में, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा हमारा गुजरात और उसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। करीबन अगर हम बात करें तो यूपी और बिहार में 60% जो मील है शुगर केन इंडस्ट्रीज के, शुगर केन मील्स है, शुगर मील्स वो है हमारे यूपी एंड बिहार में। यूपी और बिहार में 60% हमारा शुगर मील्स है। फिर क्या है, ऑब्वियसली ये सीजनल है नेचर में, ऑल्दो पूरा साल लग जाता है हमारे शुगर केन को ग्रो करने में, एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा था याद करो। और प्रेजेंट टेंडेंसी क्या है, प्रेजेंट टेंडेंसी हमारी शुगर केन मील्स, शुगर मील्स की ये है कि जितना हो सके वो साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ ये लोग जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां के शुगर केन में सक्रस कंटेंट मतलब रस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा रस मतलब बहुत सारा चीनी, बहुत सारा चीनी मतलब बहुत सारा प्रोडक्शन, बहुत सारा प्रोडक्शन बहुत सारा फाइनल गुड्स का मतलब बहुत सारा पैसा, बहुत सारा प्रॉफिट। इस वजह से वो लोग कहां जाना चाहते हैं, तो साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स में। एंड उस जगह पर, महाराष्ट्र जैसे जगहों पर क्या होता है ना कि हम लोगों का शुगर केन को लाइक कूल क्लाइमेट मिल जाता है, ठंडा क्लाइमेट मिल जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा जल्दी सक्रस नहीं लाइक सूखता नहीं है, बहुत दिनों तक सूख रह जाता है। अब अगर हम बात करें इन स्टेट्स में क्यों जाना चाहते हैं, उसका एक और रीजन है कि हम लोगों ने देखा था ना आइडल लोकेशन में कि हर एक चीज होनी चाहिए, रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, क्लाइमेट सही होना चाहिए, साथ ही साथ हमें मार्केटिंग भी सही होनी चाहिए, लाइक मार्केट जहां पर हम बेचना चाहते हैं वो सारा भी परफेक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इन स्टेट्स में मिल जाती है, एट द सेम टाइम सक्सेसफुल, कोऑपरेटिव भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है यहाँ पर। लेकिन हर इंडस्ट्रीज की तरह इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, मेजर चैलेंजेस है, और वो चैलेंजेस क्या है, इसके चैलेंजेस है, सबसे पहला तो ये सीजनल है नेचर में, हमेशा हमेशा नहीं होता, सीजनल नेचर है। उसके अलावा ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, बहुत ही पुराना तरीका है हमारा प्रोडक्शन का, कोई नया तरीका नहीं है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में डिले होती है, अब ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक जैम की वजह से अगर ट्रांसपोर्टेशन में हमारा डिले हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करने में देरी हो रही है,
तो सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो ये होती है ना कि सक्रस कंटेंट धीरे 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 कम हो जाता है, एंड कम हो जाने की वजह से क्या होता है, हमारा शुगर केन में उतना पोटेंशियल नहीं रह जाता कि वो ज्यादा से ज्यादा चीनी प्रोड्यूस कर सके। उसके साथ साथ नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। बैगेज क्या है यहाँ पर? बैगेज इज वो जो जब हम गन्ने का रस निकाल लेते हैं उसके बाद आखिरी में जो बच नहीं जाता है, हमारा गन्ने का पोर्शन बच नहीं जाता जिसमें रस नहीं रहता है, उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर उससे भी यूटिलाइज कर देते तो शायद और ज्यादा हम लोगों को फायदा हो पाता। सो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मिनरल्स इंडस्ट्रीज की, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्रीज को हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं जिनका रॉ मटेरियल टोटली मिनरल्स पे बेस्ड होता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो मिनरल बेस्ड है, मिनरल से ही रिलेटेड है पूरी तरीके से, रॉ मटेरियल मिनरल्स मिनरल बेस्ड है। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का पहला पहला बेसिक इंडस्ट्री है ये। बेसिक इंडस्ट्री एग्जैक्टली बेसिक इंडस्ट्री है। कैसे बेसिक इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्रीज? बाकी सारे कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकते आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बगैर, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री अगर चल रहा है तो उसमें मशीन की जरूरत है। बिना मशीन के हम इंडस्ट्रीज नहीं चला सकते। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इट इज नीडेड टू मेक अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंजीनियरिंग गुड्स बनाने में काम आता है। जैसे इंडस्ट्रीज नहीं चल सकते, चाहे वो हैवी हो, मीडियम हो या लाइट इंडस्ट्रीज हो, उसी तरीके से बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स है जो इनके बगैर नहीं बन सकते। कौन कौन से इंजीनियरिंग गुड्स है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, डिफेंस, मेडिकल, इवन मेडिकल में भी जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं वो, फिर टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स। तो आयरन एंड स्टील इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर अगर हम बात करें इसके बाद प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये क्या है यहाँ पर एक और? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज रिगार्डेड एज कंट्रीज डेवलपमेंट। तो कंट्रीज डेवलपमेंट एग्जैक्टली, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है या जितना ज्यादा कंजम्पशन होता है स्टील का, आयरन एंड स्टील का, उसको हम कहते हैं क्या कि ये कंट्री का डेवलपमेंट कर रही है। इस तरीके से हम कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन मतलब ज्यादा ज्यादा घर बन रहे होंगे, ज्यादा ज्यादा बिल्डिंग्स बन रहे होंगे, ज्यादा ज्यादा रोड बन रहे होंगे, ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट मीन्स ज्यादा तेजी से देश डेवलप कर रहा है। इस वजह से ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा कंजम्पशन को हम रखते हैं किसमें? कंट्रीज डेवलपमेंट में। तीसरा हमारा पॉइंट है हैवी इंडस्ट्री। एग्जैक्टली, बहुत ही ज्यादा हैवी इंडस्ट्री है। कैसे? रॉ मटेरियल भी इसका भारी है, फिनिश प्रोडक्ट भी भारी है, जिसकी वजह से इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ही बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है। तो बहुत हैवी इंडस्ट्री है ये। फिर बनाने में कितना क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? सो आयरन ओर, कुकिंग कोल एंड लाइम स्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:2:1। तो आयरन ओर, कुकिंग कोल और लाइमस्टोन जरूरत पड़ती है इसको बनाने के लिए, जो कि जिसका रेशियो कितना होता है 4:2:1 का। थोड़ा बहुत मैग्नीज की भी जरूरत पड़ती है ताकि हम स्टील को हार्डन कर सके। अब यहां पर आता है कि कहां पर कहां लगाया जाना चाहिए हैवी इंडस्ट्रीज को आइडल लोकेशन के अलावा। हम लोग का यहाँ पर बोल दिया है कि 2011 और 12 में क्या था, तो इंडिया 4th रैंक में था विथ 72.2 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन करके। क्रूड ऑयल, क्रूड स्टील प्रोडक्शन होता था यहाँ पर, एकदम बिना साफ किए जो क्रूड स्टील होता है वो हम लोग का प्रोडक्शन होता था इंडिया से, और ये 4th रैंक में था। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन को मैं अलग से ये कंप्लीट करने के बाद जब मैं बताऊंगी आप लोगों को सारे के सारी चीजें, लाइक पिग आयरन क्या है, स्पॉन्ज आयरन, उस समय मैं आप लोगों को एक अलग से बताऊंगी इसे स्पॉन्ज आयरन क्या होता है। फिर यहाँ पर चाइना क्या है, तो चाइना बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी है स्टील का। लेकिन इंडिया क्या है, तो इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सारे क्वालिटी के स्टील मिल जाते हैं हमारे यहाँ पर। छोटा नागपुर प्लेटू में तो बहुत सारे स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, एंड यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग, जब बहुत अच्छा क्वालिटी का भी और थोड़ा खराब क्वालिटी का भी, हर एक क्वालिटी के हमें स्टील मिल जाते हैं यहाँ पर। सो हमारा इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सॉरी नॉट प्रोड्यूसर बट एक्सपोर्टर है। फिर उसके बाद आते हैं आइडल लोकेशन। 2004 का था लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। आइडल लोकेशन क्या है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को बहुत सस्ते में आयरन मिल जाता है, आयरन सस्ते में मिल जाता है, आयरन ओर, लाइक आयरन ओर बहुत ही सस्ता है यहाँ पर। उसके अलावा रॉ मटेरियल क्वालिटी बहुत सही है, बहुत ज्यादा अच्छा है।
फिर चीप लेबर्स, सस्ते में हम लोगों को लेबर्स मिल जाते हैं। देखो हम लोगों को जो जो आइडल लोकेशन वाला हम लोगों ने पढ़ा था वो सारा यहाँ पर मैच कर रहा है। फिर वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द डोमेस्टिक ऑन डोमेस्टिक मार्केट, अपने डोमेस्टिक मार्केट में बहुत बहुत पोटेंशियल है। कैसे? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और जिंदल इंडस्ट्रीज जो कि है हमारे झारखंड में, एक है हमारा जमशेदपुर और एक है पतरातू में, दोनों के दोनों ही कितने ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड है। जिंदल इंडस्ट्रीज वहां पर क्या बनाते हैं, छड़ बनाते हैं। छड़ बनाकर वो क्या करते हैं, हमेशा ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज लाइक डोमेस्टिक मार्केट में ही अच्छा खासा इनका मतलब कमाई हो जाता है, अच्छा खासा ये बेच देते हैं। सो इस तरीके से पोटेंशियल बहुत है हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में, लाइक डोमेस्टिक मार्केट में। फिर आते हैं प्रॉब्लम्स, हर एक इंडस्ट्रीज के अपने अपने प्रॉब्लम्स है, जैसा हम लोगों ने पहले से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें, हाई कॉस्ट, बहुत ज्यादा महंगा है और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। कुकिंग कोल का जो ये अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है और बहुत महंगा हो गया। अब जो भी रॉ मटेरियल हमारे पास कम होगा ऑब्वियसली उसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर आते हैं लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए। अगर लेबर सही से काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन सही नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन सही नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा ऑब्वियसली। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एग्जैक्टली इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, इरेगुलर, हमेशा लाइट कटते रहती है, लाइट जाते रहती है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। बड़े बड़े मशीन्स बहुत लाइक बहुत बुरी तरीके से मशीनों पर इफेक्ट पड़ता है। सो इरेगुलर सप्लाई एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही ज्यादा खराब है हमारे यहाँ का। सो ये सारे थे हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के ये सारे पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे, हाँ, इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद हम बात करेंगे किसकी, तो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील की, किस तरीके से हम स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं। सो मैं इसे मिटा देती हूँ एंड देन हम लोग इसके बाद फिर ये सारा लिखेंगे एंड डिस्कस करेंगे। सो यहां पर हम लोग पहले बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील्स की, किस तरीके से स्टील को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं स्पॉन्ज आयरन के बारे में आप लोगों को अलग से डिफरेंट लाइक डेफिनेशन दूंगी और क्या होता है ये बताऊंगी। सो प्रोसेसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, किस तरीके से स्टील मैन्युफैक्चर होती है। सबसे पहले हम आयरन लाइक रॉ मटेरियल को, आयरन एंड स्टील ओट्स से जो हम निकालते हैं जस्ट रॉ आयरन, उसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट तक। फिर हम आयरन ओर को मेल्ट करते हैं एंड लाइमस्टोन और फ्लक्सिंग मटेरियल को एड करते हैं उस पर। उसके बाद उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज होती है, गंदगी होती है, स्लैग जिसे हम कहते हैं, उसे हटाया जाता है। मेल्ट करने के बाद गंदगी को हटाते हैं और फिर उसे बर्न करते हैं, उसे हीट बर्न करते हैं। ये सारा काम कहाँ होता है, तो ब्लास्ट फर्नेस में होता है। फिर उसके बाद हम वही हीट जो मेल्टेड आयरन है, मेल्टेड आयरन एंड स्टील, उसे हम फिर मोल्ड करते हैं, लाइक बर्न करने के बाद वो तो लिक्विडिफाई हो जाता है एंड उसे हम फिर मोल्टन मटेरियल्स में डालते हैं जिसको हम पिग कहते हैं, पिग आयरन। पिग आयरन क्या होता है, जब हम किसी मोल्ड में डालते हैं उस आयरन को ताकि वो कन्वीनियंट हो जाए हमारे लिए यूज करने के लिए, उसे हम पिग आयरन कहते हैं। फिर आता है पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, हो या रहा है ना कि सबसे पहले हम लोगों ने रॉ मटेरियल को प्लांट्स तक ले आए, उसके बाद हम लोगों ने किया कि बड़े बड़े ओर्स थे, बड़े बड़े आयरन ओर्स लाइक आयरन एंड स्टील, उसे फिर मेल्ट किया, मेल्ट करके जितना कचरा निकाल सकते थे वो निकाला, फिर लाइमस्टोन और फ्लक्सिंग मटेरियल्स उसमें ऐड किए, उसके साथ साथ हमने उसे और ज्यादा बर्न किया ताकि वो मेल्टेड फॉर्म में आ जाए। मेल्टेड फॉर्म में आने के बाद हम लोगों ने उसे लाइक मान लेते हैं ईट टाइप का कुछ एक मोल्ड में डाल दिया, ईट टाइप का बना दिया, सो दैट वो छोटे 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 मोल्ड्स में आ जाए। अब कभी आप अगर बहुत ज्यादा कुछ चीज, अगर आप इम्प्योर चीज को प्यूरिफाई करने जाओ तो बहुत टाइम लग जाती है एंड टोटली 100% प्योर भी नहीं होता। सो इस वजह से क्या करते हैं, पिग आयरन के फॉर्म में ले आते हैं आयरन को एंड फिर पिग आयरन को दोबारा से प्यूरिफाई किया जाता है उस मेल्टिंग करके, उसे मेल्ट करके एंड ऑक्सीडाइज करके उसके सारे इम्प्योरिटीज को निकाल दिए जाते हैं। मैग्नीज, निकल, क्रोमियम आर एडेड, तो ये सारे उसके बाद हम ऐड करते हैं, मैग्नीज, निकल एंड क्रोमियम ये सारे ऐड करते हैं। फिर उसको रोलिंग, प्रेसिंग और कास्टिंग किया जाता है शेपिंग मेटल्स। रोलिंग, प्रेसिंग और कास्टिंग क्या, अब फिर मेल्ट करने के बाद
जिस जिस जगह पर जैसे जैसे जगह पर भेजना है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, रोल कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं। वो आप लोगों ने देखा होगा ना ट्रेन वेन में लाइक शीट्स जाते हुए, जो रोल किए हुए शीट्स, आयरन शीट्स होते हैं वो जाते हुए, उसे ट्रांसपोर्ट करते हुए, तो ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब सोचो पत्थर की तरह अगर होगा हमारा आयरन एंड स्टील, पत्थर के फॉर्म में होगा और हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कितना ज्यादा हम लोगों के लिए परेशानी होगी उसे ट्रांसपोर्ट करना। बट वही अगर हम उसे शीट फॉर्म में एंड राउंड कर दे और उसका बंडल टाइप का बना दे तो उसे ले जाना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। सो दैट्स व्हाई हम करते हैं शेपिंग मेटल वाला। अब यहाँ पर एक टर्म था स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन क्या है? सो स्पॉन्ज आयरन इज अ फॉर्म ऑफ आयरन दैट वी कैन रिड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द आयरन ओर। जो डायरेक्ट आयरन ओर से जो आयरन निकाला जाता है, आयरन ओर से डायरेक्ट निकाला हुआ आयरन को हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्ज आयरन। इसे हम डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन भी कहते हैं, वन मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है। सो फ्रॉम आयरन ओर थ्रू रिड्यूसिंग गैस और एलिमेंटल कार्बन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस और कोल। तो इस तरीके से हम स्पॉन्ज आयरन बनाते हैं। अब स्पॉन्ज आयरन का नाम स्पॉन्ज क्यों पड़ा ना, क्योंकि ये स्पॉन्जी टाइप का होता है, लाइक इसमें छोटे 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 छेद टाइप के होते हैं जैसे हमारा स्पॉन्ज में दिखता है उस टाइप से, इस वजह से ये स्पॉन्ज आयरन कहलाता है। एंड एट द सेम टाइम ये क्या है, तो डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड आयरन है फ्रॉम आयरन ओर्स। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। इसके बाद मैं ऐसे मिटाती हूँ एंड फिर मैं लिखूंगी यहाँ पर हमारा प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किस तरीके से हम मैन्युफैक्चर करते हैं फिर हम समझेंगे यहाँ पर एल्युमिनियम के जितने भी एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज के जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन सबको। सो देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या बता दे रहा है यहाँ पर कि 4 से 6 टन जो बॉक्साइट है उससे हम लोगों को मिलता है 2 टन एल्युमिनियम और 2 टन एल्युमिनियम को फिर रिफाइन करके हमें सिर्फ और सिर्फ 1 टन एल्युमिनियम मिलता है। सो एल्युमिनियम यहाँ पर हम लोगों को 4 से 6 टन हम लोगों को बॉक्साइट हम लोगों ने लिया 4 से 6 टन और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 टन ही निकला हम लोगों का एल्युमिनियम। सो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आती है ये चीज है, एमसीक्यू में आती है कि एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री का जो हम लोगों का रॉ मटेरियल है वो क्या है, तो वो होगा हमारा बॉक्साइट, नॉट एल्युमिनियम बट बॉक्साइट। सो यहाँ पर किस तरीके से हम लोगों का प्रोडक्शन होता है, प्रोसेस क्या है? सबसे पहला है हम बॉक्साइट को एज अ रॉ मटेरियल जो कि है वो बॉक्साइट क्वेरी में उससे निकालते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं चाहे वो रेल्स के जरिए हो या शिप्स के जरिए हो। एंड देन फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एल्युमिनियम बनाते हैं, वहां से बॉक्साइट को क्रश किया जाता है और एल्युमिनियम को वहां से निकाला जाता है, एल्युमिनियम को निकालते हैं हम। एंड फिर वहां पर उसके बाद हम बहुत सारे एल्युमिनियम रिफाइनरीज में बहुत सारे काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? पहले ये बल्क ओर शिप टू द साइट ऑफ स्मेल्टर, पहले ये जो ओर है उसे हम शिप करते हैं स्मेल्टर पे, स्मेल्टर वाले जगह पे। फिर कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी, ये सारे चीजें लाते हैं, और पिच फ्रॉम अ कोलियरी। ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है हमारे एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज में। एंड एट द सेम टाइम करें लाइक बहुत सारे इलेक्ट्रिकल लाइक इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेसेस किए जाते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में आयरन था हमारा, आयरन ओर था हमारा रॉ मटेरियल, वैसे यहाँ पर बॉक्साइट है हमारा रॉ मटेरियल एल्युमिनियम में। वहां पर चाहिए थे हमें कोल बर्न करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, बट यहाँ पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। कितना? तो 18,600 kWh/ton ऑफ ओर। हर एक टन ऑफ ओर के लिए हम लोगों को इतना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सो दैट हम एल्युमिनियम स्मेल्टर्स में से एल्युमिनियम निकाल सके। सो इस तरीके से, इस वजह से यहाँ पर कहा जाता है हम लोगों को कि इलेक्ट्रिसिटी इज वे मोर इम्पॉर्टेंट एज एन आइडल लोकेशन, जब हम लोग बता रहे थे पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिसिटी को, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है यहाँ पर। सो इसके बाद हम लोग करते हैं इनके सारे के सारे एल्युमिनियम इंडस्ट्री है क्या, किस तरीके से काम करती है। सो एल्युमिनियम इंडस्ट्री इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। सो ये क्या है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री किसे कहते हैं? मेटलर्जिकल इंडस्ट्री उसे कहते हैं जहां पर हम जो भी इंडस्ट्रीज मेटल से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वैसे ये भी मेटल रिलेटेड इंडस्ट्री है। सो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज लाइट, बहुत हल्का होता है, वेट बहुत हल्का होता है, रेसिस्टेंट टू कोरोजन, जंक नहीं लगता। जैसे आयरन का ड्रॉबैक है कि जंक लग जाती है उसमें,
सो यहाँ जंग नहीं लगता, पानी के अंदर भी अगर कोई काम हो तो उसमें भी हम एल्युमिनियम का यूज कर सकते हैं क्योंकि जंग नहीं लगेगा जल्दी। भारी, बहुत समय भारी मेटल्स को यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हल्का है ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एट द सेम टाइम, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत समय हम वायर्स भी बनाते हैं इसके, एल्युमिनियम के, सो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। When mixed with other metals, it becomes strong. दूसरे मेटल्स के साथ अगर हम इसे मिक्स करते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी हो जाता है। सो स्ट्रांग भी है, हल्का भी है, और क्या चाहिए मेटल में हम लोगों को जब स्ट्रांग और हल्का दोनों के दोनों है। तो यूजेस क्या है इसके, इसे हम एयरक्राफ्ट बनाने में यूज करते हैं, बर्तन बनाने में यूज करते हैं, और फिर उसके बाद है हमारा ये, इट इज ऑल्सो यूज, सॉरी वायर्स भी बनाने में यूज करते हैं, बर्तन वायर, बर्तन हमारे घर पे दिख जाता है हमें, इवन जो भिखारी होते हैं जो आसपास हमारे मतलब बाहर रोड पे बैठे होते हैं उनके पास भी वो एल्युमिनियम का कटोरा ही रहता है। एंड हमारी मम्मियाँ हमेशा हमें चिढ़ाते रहती है, बोलते रहती है कि कुछ नहीं कर सकते हो, जाओ हम तुम्हें मैं तुम्हें एल्युमिनियम का कटोरा दे देती हूँ, जाओ जाके भीख मांगो। सो ये एल्युमिनियम इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि हम एयरक्राफ्ट में भी, मशीन्स में भी, व्हीकल्स में, यूटेंसिल्स में, एट द सेम टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वायर्स में भी यूज करते हैं एल्युमिनियम को। इट इज ऑल्सो यूज एज सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड। एग्जैक्टली, कॉपर बहुत अच्छा वायर होता है कॉपर का, बट हम एल्युमिनियम को भी यूज करते हैं उसके जगह पर। सब्स्टिट्यूट क्या है, सब्स्टिट्यूट यहाँ पर ये कहते हैं, हम इसे कहते हैं जब हम किसी और के जगह, किसी चीज के जगह हम दूसरा कोई चीज यूज कर सके। मान लेते हैं जैसे कुरकुरे खरीदने गए हम और कुरकुरे के जगह हमें टेढ़े मेढ़े मिल गया, तो ठीक है कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा था तो हम कुरकुरे के जगह पर टेढ़े मेढ़े खा कर आ गए। नॉट इन द केस ऑफ 1 GB वाला डाटा पैक वाला केस में नहीं होता ये, कि अगर कुरकुरे चाहिए तो फिर कुरकुरे ही चाहिए जिसमें 1 GB डाटा पैक हो, जैसा कि अभी आ रहा है। सो सब्स्टिट्यूट हम ये कह सकते हैं या फिर ये मान सकते हैं, आपके स्कूल्स में क्लासेस होती होंगी, कभी कोई टीचर अगर नहीं आती है, लाइक SST टीचर मैं बात कर रही हूँ, SST के यूजुअली 4 टीचर होते हैं या बहुत ज्यादा तो 2 टीचर तो होते ही हैं, हिस्ट्री सिविक्स का एक और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का एक। अगर आपकी क्लास में टीचर नहीं आती है, लाइक हिस्ट्री सिविक्स की टीचर नहीं आती, तो उनके जगह पर किसी और टीचर को हम भेज देते हैं, चलो मान लेते हैं ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के टीचर को। और अगर आपको पढ़ना है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री सिविक्स पढ़ना है तो आप ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के टीचर से भी पढ़ सकते हो। सो दिस इज द सिचुएशन वेयर सब्स्टिट्यूट कम, जो सब्स्टिट्यूट वाला काम हो रहा है यहाँ पर। सो सब्स्टिट्यूट कि ये नहीं है तो इसके जगह पर कुछ और। फिर आते हैं स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स में, देख स्टेट्स तो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स याद करो ही करो। स्टेट्स उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ये सारे के सारे स्टेट्स में मिलता है हमें एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज। आइडल लोकेशन, देखो आइडल लोकेशन हम लोगों को पता है, हर एक इंडस्ट्रीज के लिए आइडल टाइप ऑफ लोकेशन अलग अलग होता है। जैसे जूट में हम लोगों को चाहिए तो बहुत सारा पानी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, वैसे ही यहाँ पर हम लोगों को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज जो होते हैं वहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी ही चाहिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि हम स्मेल्ट कर सके। सो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अ शॉर्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट तो ऑब्वियसली हर जगह इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, जहां पर भी हमें सस्ते में रॉ मटेरियल मिल जाए, सस्ते में लेबर मिल जाए, वही जगह हमारे लिए लाइक हो जाती है कि आइडल लोकेशन हो जाती है। सो यहाँ पर भी अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट अ मिनिमम कॉस्ट, एकदम सस्ते कॉस्ट में जहां पर भी हम लोगों को रॉ मटेरियल मिल जाता है। बॉक्साइट इज आर रॉ मटेरियल, ये याद रखना, भूलना नहीं है। सो ये हो गया हमारा एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। इसके बाद मैं इसे इरेज करती हूँ एंड देन आई राइट केमिकल इंडस्ट्रीज एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या क्या है, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज है, फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। तो अब बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज की। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे इंडस्ट्रीज देखे, जैसे कि हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, अब हम बात करेंगे हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। सो केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, बहुत तेजी से बढ़ी है ये केमिकल इंडस्ट्री। GDP कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इसका, 3% है GDP कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट केमिकल इंडस्ट्री हमारे इंडिया में है, और हम वर्ल्ड में अपने साइज के हिसाब से इतना सारा केमिकल इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर कि हम 12th प्लेस में है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है
कि हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी है एंड स्मॉल स्केल केमिकल इंडस्ट्रीज भी है। बहुत सारे जगहों पर देखेंगे हम देख सकते हैं छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जिसमें प्लास्टिक बन रहे हैं या कोई डाई स्टफ्स बन रहे हैं, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी है हमारे यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज का। तो बेसिकली केमिकल इंडस्ट्रीज है क्या, लाइक कौन कौन से केमिकल इंडस्ट्रीज होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने देखा सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ हम यूज करते हैं किसे, नाइट्रिक एसिड, फिर एल्कलीज, सोडा एश, ये सारी चीजें यूज करते हैं अलग अलग चीजें बनाने के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम सिंथेटिक फाइबर्स बना सके, प्लास्टिक्स बना सके, एडहेसिव्स चिपकाने वाला चीज एडहेसिव्स बना सके, पेंट्स बना सके, और फर्टिलाइजर या फिर डाई स्टफ्स बनाया जा सके। तो ये सारी चीजों के लिए हम किसे यूज करते हैं, तो इनऑर्गेनिक दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड को। फिर नाइट्रिक एसिड और एल्कलीज एंड सोडा एश को यूज किया जाता है किसके लिए, ताकि हम ग्लास बना सके, फिर सोप्स या फिर डिटर्जेंट और पेपर बनाया जा सके। तो इन सारी चीजों के लिए ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लाइक केमिकल्स यूज किए जाते हैं। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स की, तो ऑर्गेनिक केमिकल्स क्यों यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स लाइक ताकि हम बना सके सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक, जितना भी प्लास्टिक, रबर और डाई स्टफ, ये सारी जैसी चीजें हैं, या फिर ड्रग्स, फिर या फिर फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स जैसी चीजें हम बना सके, जो मेडिसिन से रिलेटेड चीजें हैं, ये सारी चीजें बनाने के लिए हम ऑर्गेनिक केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड यहाँ पर एक पैराग्राफ में ये भी दे दिया कि केमिकल इंडस्ट्रीज क्या है, तो ये अपना खुद का कंज्यूमर है, इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। किस तरीके से, सो बेसिक केमिकल अंडरगोज प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स। जो बेसिक केमिकल्स होते हैं उसको दोबारा से प्रोसेस करके कोई और केमिकल्स बनाए जाते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जैसे एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट, तो जिसको हम लोग फाइनली यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को बेसिक सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों हम दोबारा से इसको यूज कर रहे हैं, किस लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सॉरी फर्टिलाइजर्स के लिए, डाई स्टफ्स के लिए। तो जिससे हम फर्टिलाइजर कहाँ यूज करेंगे, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में यूज करेंगे, डाई स्टफ्स एंड ऑल डायरेक्ट कंज्यूमर्स के पास भी जा सकता है या दूसरे इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हैं जहां पर उसकी जरूरत हो। सो सिंपली हम सिंपल केमिकल को उठा के फिर उसे प्रोसेस करके उसे बनाते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, या फिर हमारे लाइक एग्रीकल्चरल यूज के लिए, या फिर हम कंज्यूमर्स डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट केमिकल इंडस्ट्री। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में। एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हम जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, एंड जितना ज्यादा एग्रीकल्चर हमारा आगे बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सॉरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज क्या है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज वैसे ही जगहों पर लगाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स बनाए जा सके, मेनली होता है यूरिया। आप लोगों ने कभी सुना होगा, अगर कोई भी आप लोगों में से कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या किसी के फैमिली मेंबर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आप बातें करते होंगे कि ये अमोनियम फॉस्फेट डालना है या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं ताकि इस बार फसल और ज्यादा अच्छी हो, तो ये या फिर पेस्टिसाइड्स का भी काम करता है, फर्टिलाइजर्स के भी काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होता है, सो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जहां पर हम नाइट्रोजन को भी ऐड करते हैं, फॉस्फेट एंड पोटैश को ऐड करते हैं ताकि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। फिर यहाँ है पोटैश, पोटैश क्या है, पोटैश को हम इंटायरली पूरी तरीके से हम अपने दूसरे देश से मंगवाते हैं, यहाँ पर हमें मंगवाना पड़ता है। क्यों मंगवाना पड़ता है, ऑब्वियसली जो चीज हमारे पास नहीं है तो हमें दूसरों से ही मंगवानी पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास पोटैश का रिजर्व नहीं है। हेयर इट इज लाइक इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, बट वी डू नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटैश और पोटैशियम कार्बोनेट इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में नहीं है, तो हम चिले से या किसी और जगह से हम मंगवाते हैं क्या, तो पोटैश मंगवाते हैं हम ताकि हम उसे यूटिलाइज कर सके फर्टिलाइजर्स में।
एट प्रेजेंट यहाँ पर कितने सारे, उसके अलावा हमारे पास 57 हमारे बुक में हमें दे दिया गया है कि कितने कितने सारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है हमारे इंडिया में. एंड देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट्स में ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज फैले हुए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चर करते हैं नाइट्रोजनस एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स. तो 57 ऐसे फर्टिलाइजर यूनिट्स है जो कि नाइट्रोजनस और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करते हैं. 29 ऐसे हैं जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं. 9 ऐसे हैं जो अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस करते हैं एंड एज बाय प्रोडक्ट. एंड 68 है जो कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं सुपर पोटास के. उसके अलावा हमारे यहाँ पर अभी के प्रेजेंट डेट में लाइक 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो कि हमारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से है. एंड एक कोऑपरेटिव सेक्टर है जो कि हमारा कहाँ पर है, हाजिरा गुजरात में. फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद सबसे ज्यादा एक्सपैंड हुआ था, सबसे ज्यादा फायदा हुआ था फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को. किस तरीके से? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, जब हमने HYV सीड्स लाइक ट्रेडिशनल सीड्स को छोड़कर HYV सीड्स और बाकी के सारे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स एंड बहुत बहुत ज्यादा पानी ये सारा यूज करना शुरू कर दिया था. तो ऑब्वियसली जब हम HYV सीड्स यूज कर रहे हैं, ज्यादा फर्टिलाइजर जिसके लिए चाहिए, तो फर्टिलाइजर अगर चाहिए तो किसका फायदा होगा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का. सो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़े. जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की पॉपुलैरिटी बढ़ते गई, वैसे वैसे हमारे यहाँ पर फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज की, फर्टिलाइजर की भी पॉपुलैरिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ते गई. सो बहुत सारे स्टेट्स में है हमारे ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज. और उन स्टेट्स का नाम क्या है, सबसे पहला आता है हमारा गुजरात, फिर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक. तो ये सारे हैं हमारे स्टेट्स जहां पर हमें ये सारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज मिल जाती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में, हम लोगों ने कंप्लीट किया शुगर इंडस्ट्रीज, उसके बाद हम लोगों ने देखा आयरन इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग एंड हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग देखे. उसके बाद हम लोगों ने देखा आज केमिकल इंडस्ट्रीज और फिर ये यहाँ पर आता है हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज. केमिकल इंडस्ट्रीज के दोनों के बारे में हम लोगों ने जान लिया, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज. होप आप लोग इस वीडियो से आपको समझ में आ जाए और आप लोग याद भी कर लो. सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. अगले वीडियो में हम करेंगे सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज के बाद हम लोग करेंगे हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड साथ ही हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. सो दैट वुड बी आवर लास्ट वीडियो. सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. और प्लीज अगर आप लोगों को कॉन्टेंट मेरा अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए. और क्लास 10th के वीडियोस हमेशा हर मंडे एंड थर्सडे आते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, मंडे एंड थर्सडे. क्लास 10th के वीडियो हमेशा मंडे एंड थर्सडे आते हैं. क्लास 11th का वीडियो आता है हमेशा आप लोगों का ट्यूसडे एंड फ्राइडे. एंड क्लास 12th के वीडियोस आते हैं वेनसडे एंड सैटरडे. सो दिस इज द रूटीन. आप लोगों को जब भी क्लास 10th के वीडियोस देखने हो तो आप मंडे एंड थर्सडे मैं वीडियोस अपलोड कर देती हूँ. So thank you very much.